सरकार ने एक ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिससे आपके 6 मीटर के दायरे में जो भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन आता है तो वो एप्लीकेशन आपको अलर्ट कर देगा, आपको बता देगा। इसी तरीके से आप किसी दूसरे पर्सन से मिलते हैं और वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, इन फ्यूचर कभी हो जाता है तो भी ये ऐप आपको बता देगा कि वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, आपको सूचित कर दिया जाएगा। और उसके बाद आगे आपको क्या करना है उसका पूरा का पूरा गाइडलाइन भी आपको इसी एप्लीकेशन में, इसी ऐप में दिया जाएगा, बताया जाएगा। और इसी तरीके से इस एप्लीकेशन में बहुत सारी गाइडलाइंस भी दी गई है जिसमें सेल्फ असेसमेंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है जिससे आपको कोरोना वायरस से बचने में बहुत मदद मिलेगी। और इस एप्लीकेशन का नाम है आरोग्य सेतु। तो इस वीडियो में मैं बतलाने वाला हूँ कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का यूज कैसे करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आना होगा। प्ले स्टोर में आने के बाद आरोग्य सेतु ऐप, आप ये देख रहे हैं कि आरोग्य सेतु ऐप को इतने कम दिनों में 10 मिलियन प्लस लोग डाउनलोड कर चुके हैं। मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, ये बस छोटा सा एमबी का है, 2.9 एमबी का है। इंस्टॉलेशन डन। अब मैं ओपन कर रहा हूँ आरोग्य सेतु ऐप को। मैं हिंदी लैंग्वेज को चूज कर लेता हूँ। आरोग्य सेतु ऐप 11 लैंग्वेज में, 11 भाषा में लॉन्च हुआ है। मैं हिंदी चूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट। अब यहाँ पे आ रहा है एक विंडो जिसमें लिखा हुआ है, हम सभी में भारत में फैल रहे कोरोना वायरस महामारी को रोकने की क्षमता है, क्या आप चाहते हैं कि आपको यह जानकारी मिले कि कहीं आपके संपर्क में आया हुआ कोई व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव तो नहीं पाया गया है। आगे, ब्लूटूथ और लोकेशन जनरेटेड सोशल ग्राफ की मदद से आरोग्य सेतु कोरोना पॉजिटिव लोगों के साथ आपके संभवतः संपर्क को ट्रैक करता है। सबसे पहले ऐप इंस्टॉल करें जो हमने किया है। ब्लूटूथ और लोकेशन को स्विच ऑन करें। अपनी लोकेशन शेयरिंग ऑलवेज पर सेट करें। ऐप को इंस्टॉल करने के लिए अपने दोस्तों और परिवार को भी आमंत्रित करें। यदि आप जाने अनजाने में किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको सूचित किया जाएगा। ऐप अलर्ट के माध्यम से निर्देश दिए जाएंगे। यदि आपके सेल्फ आइसोलेटेड होने की आवश्यकता है या आप में कोविड-19 के लक्षण विकसित होते हैं तो उस परिस्थिति में सहायता की जाएगी। आरोग्य सेतु के साथ आप स्वयं की और अपने परिवार और मित्रों की कोविड-19 से सुरक्षा कर सकते हैं और राष्ट्र को इससे लड़ने में सहायता कर सकते हैं। हम सुरक्षित तो भारत सुरक्षित। उसके बाद हमें यहाँ रजिस्टर कर रहे हैं का ऑप्शन आ रहा है, हम रजिस्टर करें पर क्लिक कर रहा हूँ। और इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेटा शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है। जो डेटा शेयरिंग पे यहाँ पे ऑप्शन है, मैं सहमत हूँ, इसमें जो भी डेटा आपका शेयर होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा, ये कोई थर्ड पार्टी के पास आपका कोई भी डेटा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है मैं सहमत करूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, सबमिट करें। उसके बाद ये ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस किए जाएंगे जिसका आपको ऑप्शन में आंसर चूज करना होगा। यहाँ पे मैं प्रूफ चूज कर रहा हूँ। मैं अपना यहाँ पे पूरा नाम है, पूरा नाम दे रहा हूँ। यहाँ पे 20 सेकंड का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, हाँ या बाद में, मैं हाँ कर देता हूँ, आप भी देख लें। कृपया ध्यान दें कि इस कॉल से दी जाएगी जानकारी का उपयोग वर्तमान स्वास्थ्य संकट की निगरानी और प्रबंधन एवं कोविड-19 के विरुद्ध अनुसंधान के लिए किया जाएगा। क्या आप नीचे लिखे हुए लक्षणों में किसी का अनुभव कर रहे हैं? मैं इनमें से कोई भी नहीं पे टच कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ऑप्शन चूज करेंगे। इनमें से कोई नहीं, विदेश यात्रा नहीं की है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। इनमें से कोई नहीं, ओके। यहाँ पे देखिए आ गया, आपका संक्रमण का जोखिम कम है, ओके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया है जिसमें लिखा हुआ है यू आर सेफ। अगर यही ऑरेंज कलर का हो जाएगा तो
यहाँ रहेगा यू आर नॉट सेफ या फिर यू आर इन डेंजर, कुछ ऐसा ही कि आप जोखिम में हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो वी रिकमेंड लिखा हुआ है, वी रिकमेंड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यू आर सेफ में वी रिकमेंड है मेंटेन सोशल डिस्टेंस, टेक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, चेक ऐप रेगुलरली फॉर अपडेट्स। अगर यहाँ पे आप जोखिम में हैं करके ऐसा कुछ अगर आएगा तो यहाँ ऑरेंज कलर हो जाएगा, तो उसके हिसाब से नीचे में रिकमेंडेशन आ जाएगा, गाइडलाइंस आ जाएगा जो आपको फॉलो करना है। एंड यहाँ पे बतलाया हुआ है कि सोशल डिस्टेंस को आपको कैसे मेंटेन करना है। आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट डोनेट कर सकते हैं पीएम फंड में, पीएम केयर फंड में आप यहाँ से डायरेक्ट सीधे डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बतलाया गया है कि आप किसी से हैंडशेक न करें, सोशल गैदरिंग से दूर रहें, 6 फीट का दूरी रहे। और यहाँ पे आपको गाइडलाइंस भी प्रोवाइड किए हुए हैं, COVID-19 डूज एंड डोंट्स, सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट COVID-19, ये सारे गाइडलाइंस है इसमें। तो ये है दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप को यूज करने का तरीका और रजिस्टर करने का तरीका। और ये आरोग्य सेतु ऐप एप्पल आईफोन के लिए भी है और एंड्रॉयड के लिए भी है। मैं इन दोनों का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, ताकि इस नाम का कोई भी लोकल और फेक ऐप आप इंस्टॉल ना करें, जो रियल ऐप है वही आप इंस्टॉल करें। और अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो समझने में या कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछें और जरूर बतलाएं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल बटन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।